सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़ेरोडा और एसबीआई सिक्योरिटीज के कंपैरिजन के बारे में। ज़ेरोडा भारत का एक डिस्काउंट ब्रोकर है, वहीं एसबीआई सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, एसबीआई बैंक का ट्रेडिंग आर्म है। इस कंपैरिजन में हम चर्चा करेंगे इन दोनों कंपनी के बैकग्राउंड की, खाता खोलने और मेंटेन करने के शुल्क की, ब्रोकरेज चार्जेस की, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट की उसके बारे में, रिसर्च के प्रोमिनेंसी की, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के परफॉर्मेंस की और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से एसबीआई सिक्योरिटीज या ज़ेरोडा दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्टॉक ब्रोकर के बैकग्राउंड की। ज़ेरोडा भारत का पहला डिस्काउंट ब्रोकर है, वहीं एसबीआई सिक्योरिटीज एसबीआई बैंक का ट्रेडिंग आर्म है और ये एक बैंक बेस्ड फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है जो आपको 3-in-1 डीमैट अकाउंट भी देते हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। एसबीआई सिक्योरिटीज सन 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो इतना पुराना नहीं है। बहुत से फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स बैठे हैं मार्केट में जो कि 1985-1990 से एस्टेब्लिश हुए हैं। वहीं सन 2006 में अगर एसबीआई सिक्योरिटीज लॉन्च किया गया है तो काफी नया है उस मामले से। अभी तक पूरे भारतवर्ष में इनके 114 सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज ऑफिसेज हैं। कुछ खास बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है। ज़ेरोडा आपको कुछ ऑफलाइन मदद नहीं दे पाता, लेकिन इनके कुछ फॉर्म कलेक्शन सेंटर जरूर हैं, लेकिन वो ऑफलाइन मदद के लिए नहीं है। फिर भी आप अपने अकाउंट रिलेटेड कुछ ना कुछ मदद वहां से ले सकते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में 70 या 80 इनके फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स हैं, ऑफिसेज हैं, और भारत के बड़े शहरों में फर्स्ट या सेकेंड टीयर सिटीज में मौजूद हैं। अगर हम बात करें एक्सचेंजेस की, तो ज़ेरोडा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं एसबीआई सिक्योरिटीज सिर्फ एनएससी और बीएससी का मेंबर है। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो ज़ेरोडा आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ₹200 और डीमैट अकाउंट के लिए ₹100 की राशि लेता है, और उसी अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल आपको ज़ेरोडा को ₹300 की राशि देनी है। एसबीआई सिक्योरिटीज ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कुछ शुल्क नहीं लेता, लेकिन डीमैट अकाउंट के लिए वो आपसे ₹850 की राशि लेते हैं, जो कि काफी महंगा नंबर है। डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको इन्हें ₹350 हर साल देने होंगे। अब वैल्यू फॉर मनी ये है या नहीं, वो आपको बाकी के कंपैरिजन वीडियो में देखने से आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़े और बात करें इनकी ब्रोकरेज की, तो ज़ेरोडा आपसे डिलीवरी ट्रेड्स के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है। कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस या टैक्सेस हो सकते हैं जो आपसे लिए जाएं, लेकिन ब्रोकरेज शून्य होती है। बाकी के सेगमेंट में भी आपको ज्यादा से ज्यादा हर ट्रेड पे ₹20 ब्रोकरेज देना है। इससे कम भी हो सकता है कि अगर आपका इनिशियल कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल रादर कम है, कुछ ₹1000 है, तब आपका ब्रोकरेज 0.01% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, और वो वैल्यू अगर ₹20 से कम है तो वो चार्ज की जाएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका कैप जो है ब्रोकरेज का वो ₹20 है। एसबीआई सिक्योरिटीज के केस में डिलीवरी में आपसे 0.5% आपसे ब्रोकरेज दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने ₹1,00,000 की ट्रेड की है तो आपको ₹500 ब्रोकरेज देना होगा। आपने पैसे बनाए या गंवाए उससे एसबीआई सिक्योरिटीज का कोई लेना नहीं है, उनको ₹500 आपको ब्रोकरेज देनी होगी। बाकी के सेगमेंट्स में भी आपको अलग अलग लेवल पे यहाँ पे ब्रोकरेज दिख सकती है। इक्विटी ऑप्शंस में खास करके आपको ₹100 प्रति लॉट से ब्रोकरेज देना होगा, और कमोडिटी में सिंस ये ट्रेड नहीं करते हैं, इनके कोई मेंबरशिप नहीं है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ब्रोकरेज के मामले में या अकाउंट ओपनिंग के मामले में एसबीआई सिक्योरिटीज ज़ेरोडा से काफी ज्यादा महंगा है, और वही बात है, वैल्यू फॉर मनी अगर देता है तो भी ठीक है कुछ लेवल तक, लेकिन अगर वो नहीं मिल पाती तब इसका कोई खास फायदा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर या लेवरेज की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये बता देते हैं कि एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ज़ेरोडा फॉर एग्जांपल इंट्राडे में आपको 5 गुना तक एक्सपोजर देता है, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में ₹10,000 है तो आपको
₹50,000 की ट्रेड्स अलाउड होंगी जरूरा के द्वारा। एसबीआई सिक्योरिटीज के साथ ये वैल्यू 1,00,000 तक जाती है क्योंकि इनका एक्सपोजर 10 गुना तक है। बाकी के सेगमेंट्स में भी आप एक्सपोजर वैल्यूज देख सकते हैं और जरूरा लगातार एसबीआई सिक्योरिटीज से बेहतर एक्सपोजर वैल्यूज प्रोवाइड करता है सिर्फ इक्विटी इंट्राडे को छोड़ के। तो आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेबल सेगमेंट कौन सी है और अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तब आप सेगमेंट के हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है लेकिन काफी बार नजरअंदाज कर दिया जाता है क्लाइंट्स के द्वारा। जरूर आपको ईमेल सपोर्ट, फोन नंबर और ऑफलाइन ब्रांचेस, जो हमने शुरुआत में बात की, कुछ फॉर्म कलेक्शन सेंटर्स है वो सब प्रोवाइड करता है। वहीं एसबीआई सिक्योरिटीज ईमेल सपोर्ट, फोन, टोल फ्री नंबर और 114 ऑफलाइन ब्रांचेस के द्वारा आपके लिए मौजूद है। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, टाइम कितना लेते हैं रेजोल्यूशन के लिए, तो उस लेवल पे ज़ेरोडा और एसबीआई सिक्योरिटीज ऑलमोस्ट बराबर हैं, कुछ खास फर्क नहीं है। ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर से कि उनका कस्टमर सर्विस बेहतर हो, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्वालिटी ठीक ठाक ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च की, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। तो अगेन फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर का कंपैरिजन जो होता है वो यहाँ पे भी सामने आता है। एसबीआई सिक्योरिटीज आपको रेगुलर लेवल पे डेली, क्वार्टरली, वीकली, मंथली, ईयरली हर तरह की ड्यूरेशन की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है टेक्निकल और फंडामेंटल लेवल पे। ट्रेडिंग कॉल्स हो वो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं ईमेल या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो उस लेवल पे आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेगुलर लेवल पे कुछ ना कुछ मदद की। लेकिन जब बात आती है एक्यूरेसी की कि कितनी सही है ये रिपोर्ट्स, कितनी सही है ये ट्रेडिंग कॉल्स, तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप भी कुछ ना कुछ एनालिसिस करें अपने लेवल पे, ताकि जो भी आपको ट्रेडिंग कॉल या एडवाइस मिल रही है एसबीआई सिक्योरिटीज द्वारा उसका फुल प्रूफ आप वैल्यू रखें और उसके बेस पे ही अपने पैसे मार्केट में लगाएं। इनकी एक्यूरेसी ठीक ठाक या एवरेज लेवल तक ही आंकी जाती है, इतनी ज्यादा जबरदस्त वाली इनकी रिसर्च टीम नहीं है। तो ये हम आपको क्लियरली बता दें यहीं पे। जरूर आपको इन तरह की कोई भी रिपोर्ट्स को प्रोवाइड नहीं करता, ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन ट्रेडिंग एजुकेशन के मामले में ये आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर करते हैं। तो आपको ये अलग अलग पोर्टल देते हैं, जैसे इनका एक पोर्टल है ज़ेरोडा वार्सिटी के नाम से, जिसमें कि आप ट्रेडिंग के बेसिक्स और फंडामेंटल सीख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं भारतीय 10 या 11 राष्ट्रीय और लैंग्वेजेस में। तो आपको अपनी पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज के बेस पर अगर कुछ सीखना है तो वो भी आपके लिए मौजूद है। ज़ेरोडा आपको ओपन ट्रेड नामक एक सोशल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आप जो हैवी ट्रेडर्स होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं जो ज़ेरोडा के द्वारा ट्रेड करते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप किसी को फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो करते हैं, वैसे ही आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी ट्रेड्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको उनको एग्जैक्टली फॉलो करना है उनकी ट्रेडिंग पैटर्न के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। अगर हम बात करें अब ट्रेडिंग सेगमेंट्स की, तो आपको आईपीओस को छोड़ के इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी और कमोडिटी में ज़ेरोडा आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है। आईपीओस में एक इनडायरेक्ट वे भी है, लेकिन अब हम आपको वो रेकमेंड नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा कम्बसम है, थोड़ा सा मुश्किल है उसको यूज करना। वहीं एसबीआई सिक्योरिटीज आपको आईपीओस के साथ साथ इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और करेंसी में निवेश करना अलाउ करता है। कमोडिटी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अभी तक एसबीआई सिक्योरिटीज आपको निवेश करने का प्रावधान नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य फीचर्स की। अब कुछ पर्टिकुलर यूजर्स के लिए ये फायदेमंद हो सकती हैं, आपको देखना है कि ये आपके लिए जरूरी है या नहीं। एसबीआई सिक्योरिटीज आपको मार्केट टिप्स प्रोवाइड करता है और मार्जिन फंडिंग भी देता है। वो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर भी देते हैं, जो एक तरह का एग्जीक्यूटिव होता है जो आपके पोर्टफोलियो को समझता है और आपको रेगुलर टाइम पे कुछ ना कुछ एडवाइस देता है, ताकि आप कुछ ना कुछ मुनाफा बना सके। वहीं आपको 3-in-1 अकाउंट भी दिया जाता है एसबीआई सिक्योरिटीज द्वारा, जिसमें कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। इसके साथ आपको जो ट्रांसफर्स करने होते हैं फंड लेवल पे वो मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन हो जाती है, और पैसा जब भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कम होता है एक पर्टिकुलर लिमिट पे, तो वापस आपके बैंक अकाउंट से वो इजिली ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सुविधा आपको बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स ही प्रोवाइड करते हैं, और एसबीआई सिक्योरिटीज सिंस एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है तो वहां पे इनकी ये सुविधा आपको प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। हम बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप की, वेब पेज ब्राउजर एप्लीकेशन की और टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर की। शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल ऐप से और चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो पहले बात करते हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के मोबाइल ऐप की, जिसका नाम एसबीआई स्मार्ट है। अभी रेटेड है 3.1 पे करीब 4,752 यूजर्स द्वारा,
और ये रेटिंग 5 में से दी जाती है, और उसमें से भी करीब 35% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, जिसका मतलब है कि टोटल यूजर्स में से करीब 65% यूजर्स ही इस ऐप से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। इंडस्ट्री मार्केट्स के हिसाब से अगर आप तो कंपैरिजन करें इसका, तो काफी कम नंबर है ये। जनरली जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन स्कोर 90% तक जाता है। अगर हम एसपीएस सिक्योरिटीज की तरफ की फोकस की बात करें, तो लास्ट टाइम इनकी ऐप 17 मार्च 2017 को अपडेट की गई थी, तो इसका मतलब है कि जनरली ये अपनी ऐप को 6 से 7 हफ्तों में अपडेट करते हैं। इनको हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते आ रहे हैं, और इनका इससे पिछला अपडेट भी करीब जनवरी में हुआ था 2017 में ही। तो 6 से 7 हफ्ते का ड्यूरेशन काफी बड़ा है। जनरली अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स अपनी ऐप को 2 या 3 हफ्तों में अपडेट करते हैं, जिससे इनके यूजर्स को नए फीचर्स एक्सेस करने का मौका मिलता है, पुराने वर्जन में जो बग थे उनको भी दूर किया जाता है। इस ऐप को 1 से 5 लाख यूजर्स ने आज तक इंस्टॉल किया है, जो काफी बढ़िया नंबर है। लेकिन जब हमने एसपी सिक्योरिटीज के मोबाइल ऐप यूजर्स से बात की, तो कुछ कंसर्न्स सामने आए। कंसर्न्स एक्चुअली काफी तरह के थे, स्पीड लेवल या परफॉर्मेंस लेवल के कंसर्न्स थे, टेक्निकल एनालिसिस के लेवल पे जरूर कंसर्न्स थे, ऐप हैंग होती है उसके बहुत ज्यादा कंसर्न्स सामने आए, ऐप का यूजर एक्सपीरियंस भी बेहतर किया जा सकता है यूजेबिलिटी और यूजर इंटरफेस के लेवल पे। तो स्क्रीन्स अच्छी हैं, डिजाइन अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है इनको एक्सेस करने की, इनको यूज करने की, तो काफी दिक्कतें यूजर को सामने आती हैं। तो रिकमेंडेशन के लेवल पे हम इस ऐप को ट्रेडिंग के लिए आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। आप मार्केट का डेटा रेफरेंस करने के लिए इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर लेवल पे, लेकिन जब बात आएगी कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना है, तब आप इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे नजर डाल सकते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए एसबीआई स्मार्ट रिकमेंडेबल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं ज़रूरत की मोबाइल ऐप की तरफ, जो कि ज़रूरत काइट के नाम से जानी जाती है गूगल प्ले स्टोर पे। ये रेटेड है 4.2 पे करीब 8500 यूजर्स द्वारा, उसमें से करीब 10% से कम यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, जिसका मतलब है कि इसका सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब के करीब 90% है, जो कि एक अच्छा नंबर है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के लिए। वैल्यू को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है, शुरुआत में आपको अच्छी रेटिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली क्लाइंट्स को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तब आपकी ऐप की रेटिंग खराब होती है, आपके क्लाइंट्स आपके बारे में नेगेटिवली बोलेंगे हर फोरम में। तो उस लेवल पे ज़रूरत ने कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वैल्यूज प्रोवाइड की हैं, कंसर्न्स भी हैं। हमने जब कुछ क्लाइंट से बात की तो कंसर्न्स सामने आए, जैसे कि अगर आप छोटे शहर से हैं, थर्ड टीयर या फोर्थ टीयर सिटी से हैं, या किसी गांव से हैं, तो उन एरियाज में कनेक्टिविटी इश्यूज के कंसर्न्स सामने आए कि ऐप कनेक्ट ही नहीं होती है। तो इसका ज्यादातर इशू होता है जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है उसका बैंडविड्थ काफी कम होता है, तो उस लेवल पे ऐप कनेक्ट करना इस पे थोड़ी डिफिकल्टी आती है। हालांकि ऐप को रोबस्ट बनाना चाहिए, इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि इसका यूजर एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट रहे, इररिस्पेक्टिव कि कौन से टाइप का इंटरनेट कनेक्शन यूज किया जा रहा है। ऐप अपने आप को मोल्ड कर सकती है इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी के लिए ये सुविधा आपको ये मोबाइल ऐप प्रोवाइड नहीं करती। चार्टिंग के जो फीचर हैं उनके लोडिंग में भी कंसर्न्स देखे गए हैं, लेकिन जो बड़े शहरों में यूजर्स हैं उनको ये कंसर्न ज्यादा सामने नहीं आए। ऐप हैंग होती है, स्पेशली अगर आपका ट्रैफिक ज्यादा है सेंसेक्स पे, अगर मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है उस दिन या कम हुई है उस दिन, जनरली काफी ट्रैफिक होता है और मोबाइल ऐप को एक्सेस करने वाले यूजर्स भी ज्यादा होते हैं। उन पर्टिकुलर मोमेंट्स में इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से शहर में हैं, आपको ये इश्यू सामने आते हैं। इस ऐप की फोकस की बात करें ज़रूरत की तरफ से, तो लास्ट टाइम ये ऐप 28 मार्च 2017 को अपडेट की गई थी। जनरली ये अपनी ऐप को 3-4 या मैक्सिमम 5 हफ्तों में अपडेट करते ही करते हैं। इनका लास्ट अपडेट 28 मार्च को हुआ था, और इनके इंस्टॉल्स 1 से 5 लाख की रेंज में है, जो कि एसबीआई सिक्योरिटीज के बराबर है। तो इनके पास समय कम रहा है एज कम्पेयर टू एसबीआई सिक्योरिटीज, लेकिन इन्होंने इस पर्टिकुलर कम समय में टेक्नोलॉजी पे फोकस रखते हुए काफी बढ़िया वैल्यूज प्रोवाइड की हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अब बढ़ते हैं हम इनके बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ, और रुख करते हैं rdigitalbroker.com का। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे अगर आपको टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, तो एसबीआई स्मार्ट एक्सप्रेस नाम से एक सॉफ्टवेयर मिलता है, जो आपको अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल करना है। ये अच्छे परफॉर्मेंस वाला एप्लीकेशन है, मतलब स्पीड अच्छा है,
यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, यूआई बहुत क्लीन है इसका, और जो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो फीचर्स होते हैं चार्ट्स के रूप में, टेक्निकल इंडिकेटर्स के रूप में, हीट मैप्स के रूप में, वो आपको सब प्रोवाइड किए जाते हैं इस एप्लीकेशन में। तो डेफिनेटली हम इसको रेकमेंड करेंगे आपके रेगुलर ट्रेडिंग के लिए, चाहे आप इंट्राडे में करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं, या लॉन्ग टर्म लेवल पे करते हैं। वहीं वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी है जो आपको किसी भी ब्राउजर जैसे मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या क्रोम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ये एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है, जिसका मतलब है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल या टेबलेट, कोई भी डिवाइस हो, आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्क्रीन अपने आप से मोल्ड हो जाती है डिपेंडिंग के डिवाइस का साइज क्या है, स्क्रीन क्या साइज क्या है। ये काफी लाइट वेट एप्लीकेशन है, तो आपसे हैवी कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं मांगती। तो अगर आपका मोबाइल फोन काफी बेसिक भी है, स्मार्टफोन है, तो उस लेवल पे आपके लिए ये एप्लीकेशन ठीक ठाक चलेगी। परफॉर्मेंस लेवल पे आपको ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। अगर हम बात करें ज़रोड़ा के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की, तो ये आपको काइट वेब देते हैं, जो कि एक बेहतरीन सॉल्यूशन है वेब लेवल पे। ब्राउजर एप्लीकेशन है, ये भी लाइट वेट है, और स्पेशल जो फीचर है इसका कि किसी भी बैंडविड्थ पे, चाहे वो 0.5 kbps ही क्यों ना हो, मार्केट वॉच जैसा एप्लीकेशन फीचर भी अच्छे से चलता है। ये आपको 100 से ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स देते हैं, और एनालिसिस के लिए 6 प्रकार के आपको चार्टिंग टाइप्स दिए जाते हैं। हर तरह का ऑर्डर आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में प्लेस कर सकते हैं, तो उस लेवल पे ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, रिलायबल एप्लीकेशन है, और परफॉर्मेंस लेवल पे भी बढ़िया आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है। काइट मोबाइल के बारे में हम बात कर चुके हैं। काइट कनेक्ट एपीआई हैवी ट्रेडर्स के लिए है, जिनको रेगुलर टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करना है, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर एपीआई के द्वारा। ओपन ट्रेड के बारे में भी चर्चा की जा चुकी है, और अगर हम बात करें इनके टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर की, तो ज़रोड़ा पाए एक हाईली मैच्योर एप्लीकेशन है, जो करीब 6 या 7 साल में बहुत ही बेहतर बन चुका है कस्टमर फीडबैक के द्वारा। अच्छी स्पीड देता है किसी भी इंटरनेट कनेक्शन पे, और आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए जैसे एसपीआई स्मार्ट के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स थे, ऑलमोस्ट वैसा ही आपको परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन किसी एक स्टॉक ब्रोकर को चूज किया अगर करना पड़े आपकी प्रेफरेंस के लिए, तो हम डेफिनेटली ज़रोड़ा को करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिलाई है अपने हर तरह के ट्रेडिंग एप्लीकेशन में। यूजर एक्सपीरियंस कंसिस्टेंटली बढ़िया प्रोवाइड करते हैं, यूजिबिलिटी भी बढ़िया है, नंबर ऑफ फीचर्स भी काफी अच्छी रेंज प्रोवाइड की जाती है। जब भी कोई नया अपडेट आता है, तो कुछ ना कुछ नए फीचर्स भी अपडेट किए जाते हैं इस एप्लीकेशन में, तो उस लेवल पे आपको एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है। जब हम बात करते हैं ज़रोड़ा की, एसपी सिक्योरिटीज के भी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस अच्छे हैं, मोबाइल ऐप को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन बाकी के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस डेफिनेटली बेहतर है, तो आपको ज्यादा शिकायत उसमें भी नहीं आएगी। तो ये था कंपैरिजन ज़रोड़ा और एसबीआई सिक्योरिटीज के बीच में। हमने काफी मायनों पे बात की, कंपनी के बैकग्राउंड की चर्चा की, ब्रोकरेज प्राइसिंग के बारे में चर्चा की, एक्सपोजर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, कस्टमर सर्विस, और भी कुछ मायनों के बारे में बात की गई। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके हिसाब से आप एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप ज़रोड़ा एसबीआई सिक्योरिटीज के साथ कॉल बैक चाहते हैं, या अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट का इस लिंक digitalblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जा सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं, अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं, और आपकी स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग की हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, और उनका समाधान पाके फाइनली आप अपने लिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है, तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल अर्न डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।